हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अप्रैल को होने वाले स्मैकडाउन के फुल प्रीव्यू के बारे में। गाइस, रेसलमेनिया में स्मैकडाउन की तरफ से हमें काफ़ी शॉकिंग मोमेंट देखने को मिले, चाहे वो टाइटल चेंज हो, डब्बा काटो का रिटर्न हो, और गाइस रोमन रेंज के डबल पिन पर कॉन्ट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा टाइटल मैच कन्फर्म है और भी हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्मैकडाउन ब्रांड पर क्या किसी सुपरस्टार का रिटर्न भी होगा, सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक लाइक से यार। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंफर्म अब सेगमेंट्स के बारे में। यहाँ पर पहला मैच कंफर्म है जो कि एक सिंगल्स मैच है, रे मिस्टीरियो वर्सेस ओटिस के बीच में। गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस अल्फा एकेडमी की फ्यूड चल रही है और उसी के लिए ये मैच कंफर्म हुआ है, और अब देखना है कौन विनर होगा। वैसे तो मैं यहाँ पर ओटिस को पिक करूंगा, वैसे रे मिस्टीरियो भी जीत सकते हैं। नेक्स्ट मैच गाइस, यहाँ पर चैंपियनशिप मैच है, ये है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पास। यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पास भाई उनकी चैंपियनशिप के लिए रीमैच की अपॉर्चुनिटी है। वैसे ये मैच उन्हें रेसल महीने से पहले ही मिला था, पर वहाँ पर भाई टाइटल सक्सेसफुल रिटेन कर लिया था डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड, पर क्या यहाँ पर टाइटल चेंज होगा इसके बहुत कम चांसेस हैं। फिर भी हो सकता है हमें यहाँ पर किसी टीम की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, यहाँ पर किसी ना किसी टीम का हो सकता है रिटर्न हो जाए। अगर टाइटल चेंज नहीं होता तो हमें यहाँ पर डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड के सामने कोई नई टीम आती जरूर दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, हमें एक सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज का। गाइस, यहाँ पर अपोलो क्रूज आएंगे और उनके साथ ऑब्वियसली है कि होंगे डब्बा काटो, उनके मसल पावर, और डब्बा काटो की मदद से ही अपोलो क्रूज बने थे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो गाइस, क्या यहाँ पर बिगी फिर से आएंगे अटैक करने? वैसे बिगी और अपोलो क्रूज की फ्यूड हमें काफी लंबे टाइम से देखने को मिल रही है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूड यहीं पर खत्म कर दे और अपोलो क्रूज के लिए कोई नया अपोनेंट हमें देखने को मिले। और उसमें कई नाम सामने आते हैं, जैसे कि भाई सिजारो हो सकते हैं, सेट रॉलिंस हो सकते हैं। तो अब अपोलो क्रूज और डब्बा काटो के फैक्शन को WWE किस तरह से और इंटरेस्टिंग बनाती है, ये नेक्स्ट स्मैकडाउन पर देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके अलावा गाइस, हमें कई बड़े रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रॉ ब्रांड पर हुए शार्लेट फ्लेयर के, हुए वाइकिंग रेडर्स हुए, और भी हमें एक दो रिटर्न देखने को मिले थे, ऐसे हमें स्मैकडाउन ब्रांड पर भी देखने को मिलेंगे। और जैसे कि रूमर से भाई यहाँ पर फिन बैलर आ सकते हैं, क्योंकि फिन बैलर ने अपनी चैंपियनशिप लूज कर दी है करियन क्रॉस के हाथों, तो अब वो NXT से एक तरह से फ्री हो चुके हैं, WWE उन्हें दोबारा मेन रोस्टर में ला सकती है, और अगर फिन बैलर मेन रोस्टर में आते हैं तो उन्हें एक अच्छा पॉप मिलेगा। इसके अलावा और भी कोई सुपरस्टार आ सकता है स्मैकडाउन पर, जैसे कि होगी बैकी लिंच। गाइस, बैकी लिंच पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, पूरी तरीके से फिट हैं इन रिंग रिटर्न के लिए, और वो टीज भी कर रहे थे कि वो रेसलमेनिया में रिटर्न कर सकते हैं, पर रेसलमेनिया में तो नहीं है, हो सकता है स्मैकडाउन ब्रांड पर आए अगर उन्हें ब्रांड चेंज करना हो तो। अब बात करें फीमेल डिवीजन से, यहाँ पर भाई न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर हमें देखने को मिलेंगी। सेलिब्रेशन होगा तगड़ा, बियांका ब्लेयर का काफी स्पेशल मूवमेंट होने वाला है ये। पर जिस तरह से हमें रिया रिफ्ली न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन पर अटैक करती हुई दिखाई देती है शार्लेट फ्लेयर, यहाँ पर भी क्या कोई बियांका ब्लेयर पर अटैक करेगा? गाइस, कई बड़े सुपरस्टार्स हो सकते हैं जो कि बियांका ब्लेयर पर अटैक कर सकते हैं, बियांका ब्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जैसे कि हो सकता है बैकी लिंच आ जाए, या फिर टमीना, या फिर कोई ना कोई सुपरस्टार जरूर चैलेंज करेगा रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, मैच जरूर कंफर्म होगा बियांका ब्लेयर का। इसके अलावा का जो मेन फ्यूड के बारे में बात करें वो है भाई रोमन रेंज की, यहाँ पर रोमन रेंज आएंगे और वो उन्हीं सब बातों को एड्रेस करेंगे जो कि रेसलमेनिया में उन्होंने किया, वो बताएंगे वो क्लियरली विन है और क्लियरली हरा दिया उन्होंने एज और डैनियल बैन दोनों को, पर यहाँ पर एडम पियर्स एक बड़ी स्टेटमेंट लेते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर एडम पियर्स कहेंगे भाई एज के जो शोल्डर थे वो मैट पे नहीं छू रहे थे, तो एज को तुमने नहीं हराया है और एज ने डैनियल बैन को हराया, इस तरीके से एज विनर है। इस पर रोमन रेंज का दिमाग खराब होगा, और गाइस हमें यहाँ पर एज को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नहीं दिखाई दे सकती, हो सकता है एज को कोई नंबर वन कंटेंडर मैच लड़ना पड़े, उसके बाद उन्हें रोमन रेंज के अगेंस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मिले, पर इस बार रोमन रेंज और एज का सिंगल्स मैच जरूर होगा। WWE सिंगल्स फ्यूड तैयार करेगी जिससे भाई WWE फैंस थोड़ा इंटरेस्टेड रहे इस फ्यूड के लिए। तो फिर से एक बार हमें एज अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं रोमन रेंज पर, क्योंकि गाइस एज अभी शांति नहीं बैठेंगे, एज अभी और रेसल करेंगे इस साल। तो ये सारी फ्यूड और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट स्मैकडाउन पर गाइस आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप रोमन रेंज से एज का मैच देखना चाहेंगे रेसलमेनिया बैकलैश में। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर फिर पसंद आए तो लाइक भी करना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ख्याल रखें अपना।
हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अप्रैल को होने वाले स्मैकडाउन के फुल प्रीव्यू के बारे में। गाइस, रेसलमेनिया में स्मैकडाउन की तरफ से हमें काफ़ी शॉकिंग मोमेंट देखने को मिले, चाहे वो टाइटल चेंज हो, डब्बा काटो का रिटर्न हो, और गाइस रोमन रेंस के डबल पिन पर कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा टाइटल मैच कन्फर्म है और भी हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्मैकडाउन ब्रांड पर क्या किसी सुपरस्टार का रिटर्न भी होगा, सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक लाइक से यार। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कंफर्म अब सेगमेंट्स के बारे में। यहाँ पर पहला मैच कंफर्म है जो कि एक सिंगल्स मैच है रे मिस्टीरियो वर्सेस ओटिस के बीच में। गाइस जैसे कि आपको पता होगा रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस अल्फा एकेडमी की फ्यूड चल रही है और उसी के लिए ये मैच कंफर्म हुआ है और अब देखना है कौन विनर होगा। वैसे तो मैं यहाँ पर ओटिस को पिक करूंगा, वैसे रे मिस्टीरियो भी जीत सकते हैं। नेक्स्ट मैच गाइस यहाँ पर चैंपियनशिप मैच है, ये है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पास। यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पास भाई उनकी चैंपियनशिप के लिए रीमैच की अपॉर्चुनिटी है। वैसे ये मैच उन्हें रेसलमेनिया से पहले ही मिला था, पर वहाँ पर भाई टाइटल सक्सेसफुल रिटेन कर लिया था डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड, पर क्या यहाँ पर टाइटल चेंज होगा इसके बहुत कम चांसेस हैं। फिर भी हो सकता है हमें यहाँ पर किसी टीम की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, यहाँ पर किसी ना किसी टीम का हो सकता है रिटर्न हो जाए। अगर टाइटल चेंज नहीं होता तो हमें यहाँ पर डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड के सामने कोई नई टीम आती जरूर दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस हमें एक सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज का। गाइस यहाँ पर अपोलो क्रूज आएंगे और उनके साथ ऑब्वियसली है कि होंगे डब्बा काटो, उनके मसल पावर और डब्बा काटो की मदद से ही अपोलो क्रूज बने थे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो गाइस क्या यहाँ पर बिगी फिर से आएंगे अटैक करने? वैसे बिगी और अपोलो क्रूज की फ्यूड हमें काफी लंबे टाइम से देखने को मिल रही है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूड यहीं पर खत्म कर दे और अपोलो क्रूज के लिए कोई नया अपोनेंट हमें देखने को मिले और उसमें कई नाम सामने आते हैं जैसे कि भाई सिजारो हो सकते हैं, सेथ रॉलिंस हो सकते हैं। तो अब अपोलो क्रूज और डब्बा काटो के फैक्शन को WWE किस तरह से और इंटरेस्टिंग बनाती है, ये नेक्स्ट स्मैकडाउन पर देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके अलावा गाइस हमें कई बड़े रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रॉ ब्रांड पर हुए शार्लेट फ्लेयर के, हुए वाइकिंग रेडर्स, हुए और भी हमें एक दो रिटर्न देखने को मिले थे, ऐसे हमें स्मैकडाउन ब्रांड पर भी देखने को मिलेंगे। और जैसे कि रूमर से भाई यहाँ पर फिन बैलर आ सकते हैं क्योंकि फिन बैलर ने अपनी चैंपियनशिप लूज कर दी है करियन क्रॉस के हाथों, तो अब वो NXT से एक तरह से फ्री हो चुके हैं, WWE उन्हें दोबारा मेन रोस्टर में ला सकती है और अगर फिन बैलर मेन रोस्टर में आते हैं तो उन्हें एक अच्छा पॉप मिलेगा। इसके अलावा और भी कोई सुपरस्टार आ सकता है स्मैकडाउन पर, जैसे कि होगी बैकी लिंच। गाइस बैकी लिंच पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, पूरी तरीके से फिट हैं इन रिंग रिटर्न के लिए और वो टीज भी कर रहे थे कि वो रेसलमेनिया में रिटर्न कर सकते हैं, पर रेसलमेनिया में तो नहीं है, हो सकता है स्मैकडाउन ब्रांड पर आए अगर उन्हें ब्रांड चेंज करना हो तो। अब बात करें फीमेल डिवीजन से, यहाँ पर भाई न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बियांका ब्लेयर हमें देखने को मिलेंगी। सेलिब्रेशन होगा तगड़ा, बियांका ब्लेयर का काफी स्पेशल मूवमेंट होने वाला ये, पर जिस तरीके से हमें रिया रिफ्ली न्यू रॉ वुमेन चैंपियन पर अटैक करती हुई दिखाई देती है शार्लेट फ्लेयर, यहाँ पर भी क्या कोई बियांका ब्लेयर पर अटैक करेगा? गाइस कई बड़े सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि बियांका ब्लेयर पर अटैक कर सकते हैं, बियांका ब्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए, जैसे कि हो सकता है बैकी लिंच आ जाए या फिर टमीना या फिर कोई ना कोई सुपरस्टार जरूर चैलेंज करेगा रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, मैच जरूर कंफर्म होगा बियांका ब्लेयर का। इसके अलावा का जो मेन फ्यूड के बारे में बात करें वो है भाई रोमन रेंस की, यहाँ पर रोमन रेंस आएंगे और वो उन्हीं सब बातों को एड्रेस करेंगे जो कि रेसलमेनिया में उन्होंने किया, वो बताएंगे वो क्लियरली विन है और क्लियरली हरा दिया है उन्होंने एज और डैनियल बैन दोनों को, पर यहाँ पर एडम पियर्स एक बड़ी स्टेटमेंट लेते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर एडम पियर्स कहेंगे भाई एज के जो शोल्डर थे वो मैट पे नहीं छू रहे थे तो एज को तुमने नहीं हराया है और एज ने डैनियल बैन को हराया, इस तरीके से एज विनर है। इस पर रोमन रेंस का दिमाग खराब होगा और गाइस हमें यहाँ पर एज को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नहीं दिखाई दे सकती, हो सकता है एज को कोई नंबर वन कंटेंडर मैच लड़ना पड़े उसके बाद उन्हें रोमन रेंस के अगेंस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मिले, पर इस बार रोमन रेंस और एज का सिंगल्स मैच जरूर होगा। WWE सिंगल्स फ्यूड तैयार करेगी जिससे भाई WWE फैंस थोड़ा इंटरेस्टेड रहे इस फ्यूड के लिए। तो फिर से एक बार हमें एज अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं रोमन रेंस पर, क्योंकि गाइस एज अभी शांति नहीं बैठेंगे, एज अभी और रेसल करेंगे इस साल। तो ये सारी फ्यूड और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। गाइस आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप रोमन रेंस से एज का मैच देखना चाहेंगे रेसलमेनिया बैकलैश में। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर फिर पसंद आए तो लाइक भी करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेट कर लेना जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई ख्याल रखें अपना।